कॉल दी तो पंजाब हुकूमत कंडेम कर रही थी, लेकिन आज जब अभी तक हालात बेहतर हैं तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है कि आप प्रोवोक कर रही हैं कि क्यों नहीं बाहर आए, हम तैयार हैं, तो इससे हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं, इस पर आप कंडेम करेंगे? अभी मुझे बता दें कि मोटरवे को चूँकि मुरम्मत काम के लिए बंद किया गया तो जो तामीराती सामान चाहिए होगा वो हेलीकॉप्टर के जरिए आएगा या उन गाड़ियों को? बेटे आप फिक्र नहीं करो, हमने पहुँचाना होगा ना, हम पहुँचा लेंगे, वो हमें पता है, वो हमें, हाँ वो हमें पता है हमने कैसे पहुँचाना है, तो जाहिर है जो हम कर रहे हैं हमें पता होता है हमने क्या करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बेटा मैं तो इनके हक़ में बात कर रही हूँ कि अपने लीडर को जो इतने बड़े बड़े बाग दिखाए हैं तुम लोगों ने, लाखों लोग इंतज़ार में बैठे हैं, बस खान साहब एक कॉल दे दें सब बाहर आ जाएंगे। मैं पंजाब के अवाम को रिप्रजेंट कर रही हूँ और मैं ये बता रही हूँ कि पंजाब के लोग इस फसाद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पंजाब के लोग, इनके अपने MPs MNs, वो इस फसाद के हिस्से का पार्ट नहीं बनना चाहते। और यही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने पंजाब के लाहौर के तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ हमेशा की तरह। जब जब ये कोई पाँचवीं कॉल है, जब जब इन्होंने कॉल दी है पंजाब ने और लाहौर ने उसको रिजेक्ट किया है, और इसके लिए यकीनन चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो खराज तहसीन के मुस्तहक़ हैं कि बग़ैर किसी अनफॉर्चुनेट वाक़े के, बग़ैर किसी छोटी मोटी, आपको पता है वो फिर चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो है पंजाब में पुरअमन और पुरसकून हालात हैं। और इसके लिए जो है वो तमाम हमारी जो इंतज़ामिया है, चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको खुद मॉनिटर कर रही हैं, वो सब खराज तहसीन के मुस्तहक़। एक PTI का सवाल, हाँ हाँ अच्छा। नंबर 1 ये बताइए कि लाहौर में जलसा हुआ, कोई गमला नहीं टूटा, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो अब इतनी ज्यादा ये खारदार कारें लगा के बदामी बाग अड्डा बंद कर दिया, सवाल पूरा ले लीजिएगा, और बाकी पूरा मुल्क आपने बंद कर दिया, मिसाल लाहौर की थी, कुछ भी नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, अदालतों का इतना एहतराम है, मखसूस सीटें दे दें, अदालतों का इतना एहतराम है, बाकी इलेक्शन वाले मामला के ऊपर, चीज़ों के ऊपर खोले, वहाँ कोई, मैंने इसलिए कितनी दफ़ा कहा मुझसे बारी बारी सवाल पूछ लिया करो, मुझे भूल जाता। पहला क्या था तुम्हारा सवाल? मुबारकबाद। देखिए हम तो, मेरे प्यारे भाई आपको नज़र नहीं आते, हम संडे को भी, मेरी चीफ मिनिस्टर भी काम कर रही होती है, हम भी काम कर रहे होते हैं। काश ये सवाल आप गंडापुर से पूछ लें कि वो इतवार को तो काम नहीं करता, किसी और दिन काम करता है। ये मुबारकबाद उसको दे कि जो नकम्मा और नाहल है, जिसने पूरे जो है वो हफ्ते से हफ्ते तक कोई काम नहीं करना होता। मेरी चीफ मिनिस्टर अगर दफ्तर में नहीं होती ना, वो तब भी काम कर रही होती है, वो तब भी जो है वो घर के अंदर भी काम कर रही होती है, और फारूक नहीं बैठी होती। दूसरी बात यह है कि मेरे प्यारे भाई, ये जो आप हमें भाषण दे रहे हो ना कि हमने जो है वो सब कुछ बंद कर दिया और कोई गमला नहीं टूटा, AK-47 मैंने तोड़ी थी वो, आप तो खैर वो भी नहीं मानते। मेरे प्यारे भाई को जो है वो AK-47 और बेलचे के बीच में फ़र्क नहीं पता, ठीक है जी। पूरी दुनिया ने AK-47 देखा, लेकिन उमर को वो बेलचा नज़र आया। अच्छा, बेलचे से भी अगर गाड़ी तोड़ी जाए तो जस्टिफाइड होती है। आपने कहा गमला नहीं टूटा, मैं गाड़ी तोड़ने की बात कर रही हूँ। और उसके बाद रास्ते में आते हुए भी जो ये कारनामे सर अंजाम देते रहे हैं वो आपको पता है, लेकिन मजबूरी आपकी मैं समझ सकती हूँ। गुजारिश ये है कि ये जो है इन दहशतगर्दों के हवाले, इन दहशतगर्दों के सामने रियासत सरेंडर नहीं करेगी। और या तो ये सियासी जमात होते हैं, मुझे बताइए फलाना मौलाना फजलुर रहमान साहब सियासी एक्टिविटी करते हैं, जमात इस्लामी करती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है, किसी को नहीं रोका जाता ना, बिकॉज वो सियासी जमातें हैं। ये सियासी जमात नहीं है, ये दहशतगर्द जमात है, दहशतगर्द जमात के साथ ऐसे सलूक करते हैं। और बाय द वे, और बाय द वे, ये तरीका हमें इमरान खान ने अपनी TLP के साथ जब किया था तब बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक खुल जाएंगे। ये भी वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो जाएगा ना, तस्वीरें शस्वीरें को 2-4 सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाएंगी, जिब्रान इलियास फेक जो है वो पोस्टें लगा लेगा, शहबाज गिल उसको रीट्वीट कर देगा, बस काम ठीक हो जाएगा। जी आज इतवार को छुट्टी होती है मेरे भाई, हर बात ना ना पाओ, मतलब आटा गूंदे हिल्दी क्यों ना करे ना, कुछ ढंग का सवाल पूछ ले। सलीम शेख साहब, सलीम सीनियर है, सलीम शेख साहब काश हमारे हाथ में होता। ये इसके अंदर जो है वो बहुत सारे, आपको पता है शेख साहब आप सीनियर आदमी हैं, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आपको होना पड़ता है। काश हम सब एज ए सोसाइटी ये फैसला कर लें कि हमने अपने बीच में TLP के दहशतगर्द हों, तालिबान के दहशतगर्द हों या PTI के दहशतगर्द हों, इनको अपने मुल्क में जगह नहीं देनी, तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आज निकलना है गंडापुर में, और अगर वो 3-4 दिन अच्छा। तो फिर क्या रास्ते इसी तरह बंद रहेंगे? और दूसरा, जिस तरह आपने फरमाया कि नेफ्टा ने सर्टिफिकेट जारी किया है, खुदा ना खास्ता अगर वो निकलते हैं वहाँ पे कोई ऐसा अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हो जाती है तो फिर उसका कसूरवार कौन होगा? इसी चीज़ ऐड कर लें कि आज दहशतगर्द भी रात को पिंडी में मारे गए हैं, जो बहुत बड़ी तबाही का आज चक्री में। देखिए, गुजारिश यह है कि ये अभी यहाँ बैठकर तो कोई बात नहीं हो सकती। चीफ मिनिस्टर साहिबा हर चीज़ के ऊपर जो है वो एक एक लम्हे की रिपोर्ट उनके पास जारी है और ये हालात और वाक़ियात के मुताबिक फ़ैसले होते हैं। तो पता नहीं वो निकलते हैं नहीं निकलते, निकलते हैं तो खुद ही वहाँ कहीं से वापस चले जाते हैं, ये तो भी पता नहीं है। तो देखेंगे कि इसके ऊपर क्या हो सकता है और अल्लाह ना करे कोई ऐसी। और इसीलिए ये जो चंद सख्त इकदाम हमें करने पड़े हैं रस्तों को बंद करने के हवाले से, जो ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जो ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले रहे हैं, वो इसीलिए हैं कि हम ये तो इनकी भी जानों की हिफाजत करनी है और जो आम पाकिस्तानी है, जो आम लोग हैं, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कहाँ बंद है? लाहौर भी खुला है सारा। हाँ, लाहौर की जानिब कोई ट्रांसपोर्ट नहीं आ रही। बड़ी सख्ती से इस पर तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पर सवाब का काम समझकर अमल दरामद कर रही है कि लेकिन इस सारी सूरत हाल में इकनॉमिक एक्टिविटीज़ इस सूबे की बुरी तरह से हिट हो रही है। उसके बाद फिर ये बंदिश की वजह से लोगों की जो समाजी मसरूफियात हैं वो बुरी तरह से हिट हो रही है। इसके लिए कोई प्लान? देखिए, हमारे पास, मैंने जैसे पहले भी राव साहब गुजारिश की थी, और जो हमारे फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो तमाम इन चीज़ों को ख़ुद जो है वो देख रहे हैं। गुजारिश ये है कि एक तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ख़ुद भी जिनकी ट्रांसपोर्ट को जो है वो अभी आपने पिछली दफ़ा देखा नहीं था जो AK-47 मार मार के गाड़ियाँ तोड़ी थी ख़ुद वज़ीर आला KPK ने जब वो कान्हा की पहाड़ियों में तशरीफ़ ला रहे थे। और उसके साथ साथ ये पूरे फसाद के लिए लोग उसके अंदर शामिल होना नहीं चाहते। फिर दूसरी बात यह है कि इनको वहाँ जाकर ये क्या करना चाहते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। इनको बहुत देर से बांग्लादेश मॉडल याद आता है। ये कहते हैं हमने बांग्लादेश की तरह इनकलाब लाना है। अब ये जो कहते हैं इनको एहतजाज की इजाज़त मिलनी चाहिए, ये DTOC भी चले जाए, वो नहीं जा सकते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। और अगर ये चंद चले भी जाएँ, ये जब भी गए हैं लूट मार, फ्रिजों के अंदर से खाने निकालने, चोरियाँ करनी, CSD लूटने, ये तो इनका तरीका वारदात है। अब इन्हीं चोरों के, इन डकैतों के, इन जो राजनों के हवाले जो है वो पंजाब को नहीं किया जा सकता। और उसके लिए ये चंद तल्ख फैसले जो हैं वो करने हमारी मजबूरी है, हमारी चॉइस नहीं है। और पंजाब के लोग इनके गिरेबान पकड़े, इनको जिनको आज तकलीफ़ हो रही है उनको पूछे कि भाई हमारी ज़िंदगी हराम करने क्यों निकल आते हो? अच्छा खासा पाकिस्तान ट्रैक पे आ रहा है, महंगाई कम हो रही है, रिजर्व्स बढ़े हैं, स्टॉक एक्सचेंज में तरक्की हो रही है, आम आदमी जो है उसकी बिजली की कीमतों में अब कभी जो है वो PM अनाउंस करने जा रहे हैं, हमें जीने दो। लेकिन उनका मकसद यह है कि हमने पाकिस्तान के अंदर एक आग लगा के रखनी है और पाकिस्तान के लोगों को जो है वो तकलीफ़ देते रहना है, जिसका पाठ हुकूमत नहीं बन सकती। हुकूमत को आम आदमी की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ करना है।